विद्यार्थियों, बात करते हैं सब्जेक्टिव टाइप पेपर जिसको पार्ट वन पेपर कहते हैं उसके सेक्शन बी की। और अगर हम सेक्शन बी की बात करें, तो इसमें 4 मार्क्स के 4 क्वेश्चन है, यानी कि टोटल यहां पे 16 मार्क्स के लिए आपके पास 4 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए। तो यहां पे काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तो आप बहुत आसानी से इन क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। बेहद इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, बस आपको कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए अच्छी तरह से। तो देखते हैं कि हमारे सैंपल पेपर में किस तरह के जो क्वेश्चन है आपके जो एग्जाम की तैयारी के लिए दिए गए हैं। प्यारे बच्चों, स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है और क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x² + 9x + 15 इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। यहां पे फंक्शन दिया हुआ है और इंटरवल पूछा गया है जिसमें ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो आपसे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पूछे या फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूछे या दोनों ही पूछे तो क्वेश्चन सेम ही रहेगा, सेम स्टेप चलेंगे इसके। तो देखते हैं प्यारे बच्चों इसका सॉल्यूशन। तो यहां पे हमारे पास अगर इसके सॉल्यूशन की बात करें तो गिवन एफ एक्स है, हमारे पास फंक्शन गिवन है, ये है x³ - 6x² + 9x + 15। अब हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कैलकुलेट करने के लिए इसका डेरिवेटिव कर देते हैं, एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं, एफ डैश एक्स यानी कि इसका डेरिवेटिव हमने कर दिया तो ये हो जाएगा 3x² - 12x + 9 और इसका 0 हो जाएगा। तो अब इंटरवल निकालने के लिए सबसे पहले हमें एक्सट्रीम वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो एक्सट्रीम वैल्यू निकालने के लिए इसको ये जो डेरिवेटिव है एफ डैश एक्स है इसको 0 के साथ इक्वेट करना है। यहां पे प्यारे बच्चों इसको 0 के साथ इक्वेट करने से पहले हम एक स्टेप कर रहे हैं, हमने क्या किया एफ डैश एक्स इसमें सब जो कुछ कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लें। तो यहां से हमारे पास 3 कॉमन आ गया तो ये आ गया हमारे पास x² - 4x + 3। अब इसके फैक्टर बनाने हैं आपको, तो इसके जब आप फैक्टर बनाएंगे तो एफ डैश एक्स 3 तो बाहर ही है, आप चाहे तो इसके फैक्टर अलग से बना सकते हैं। तो यहां पर हमारे पास ये है x² - 3x - x और +3। तो 10th क्लास में जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम फैक्टर बनाते हैं तो एफ डैश एक्स 3 तो है ही हमारे पास ये। अब इसको देखो ऐसे कर लेते हैं, यहां से हम x कॉमन ले लेते हैं तो x - 3 - 1 कॉमन ले लेते हैं x - 3 तो एफ डैश एक्स तो 3, यहां पे देखो x - 3 और ये x - 1 यहां पे पहुंच गए। आप चाहो तो यहां पे इसको एफ डैश एक्स को सीधा ही 0 के साथ इक्वेट करते हो कर सकते हो एक्सट्रीम वैल्यू के लिए, लेकिन मैंने ऐसा क्यों नहीं किया वो आपको भी थोड़ी देर में बताते हैं। तो अब हम लिखेंगे कि फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज पुट एफ डैश एक्स दैट इज इक्वल टू 0, इट मीन्स 3x - 3 × x - 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो 3 तो 0 हो नहीं सकता, तो x - 3 इज इक्वल टू 0 एंड x - 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू 3 आ गई और यहां से x की वैल्यू 1 आ गई। सो यहां पे अब हम यहां ऊपर कर लेते हैं, अब x की वैल्यू आई हमारे पास 1 और 3। तो आप रियल लाइन प्लॉट कर ले, इससे क्या होगा आपको काफी हेल्प मिलेगी इस क्वेश्चन को ज्यादा बढ़िया तरीके से समझने में। तो यहां पे 0, यहां पे 1, यहां पे 2, यहां पे 3, 4, -1 -2 -3 -4। तो अब देखो हमने ये रियल लाइन प्लॉट कर ली, तो इसमें जो एक्सट्रीम वैल्यू है 1 और 3, तो ये हमारे पास 1 हो गया और ये हमारे पास 3 हो गया। आप इसको समझे, ये एक रियल लाइन थी, जब ये 2 एक्सट्रीम वैल्यू इस पे आई तो इस रियल लाइन के जो 3 ब्रेक हो गए, 3 टुकड़े हो गए, एक तो ये -∞ से लेके 1 तक,
एक ये वन से लेके थ्री तक और एक ये थ्री से लेके इन्फिनिटी तक, तो थ्री ब्रेक्स हो गए, हमें थ्री इंटरवल मिल गए, माइनस इन्फिनिटी टू वन, ये ओपन इंटरवल है, ध्यान रखें, ये हमारे पास माइनस इन्फिनिटी टू वन यहां से यहां तक का, अब यहां से यहां तक का वन टू थ्री और यहां से आगे का थ्री टू इन्फिनिटी, तो ये थ्री इंटरवल मिल गए और क्वेश्चन इसका यही था फाइंड द इंटरवल। अब इंटरवल तो मिल गया, हमें ये बताना कि स्टिपली डिक्रीजिंग कौन से है, तो अब देखो एक एक करके लेते हैं, फोर एक्स लेस देन वन, वन से लेस यानी कि इधर वाला सारा, यानी कि किस इंटरवल की बात कर रहे हैं, माइनस इन्फिनिटी टू वन, आप चेक करें कि एफ डैश एक्स कैसा है, एफ डैश एक्स, अब एक्स इज लेस देन वन, लेस देन वन आप कुछ भी सोच ले, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, देखो हम यहां पे सोच लेते हैं कि से एक्स इज इक्वल टू वन से लेस, कुछ भी सोच सकते हैं आप, मैंने जीरो सोच लिया, तो एफ डैश एक्स क्या होगा, एफ डैश एक्स देखो यहां पे हम एफ डैश एक्स पे आते हैं, इस जगह पे यहां पे एफ डैश एक्स, थ्री तो थ्री ही रहेगा, यहां पे जीरो पुट करेंगे तो ये माइनस के थ्री बनेंगे यानी कि नेगेटिव बनेगा, यहां पे जीरो पुट करेंगे तो ये भी माइनस वन बनेगा यानी कि नेगेटिव बनेगा, अब नेगेटिव भी नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा यानी कि ग्रेटर देन जीरो आया, दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल, कौन सा हुआ, माइनस इंफिनिटी टू वन, लेकिन हमें तो डिक्रीजिंग का बताना है। अब आगे देखिए फोर एक्स का है वन से थ्री पे है, वन इज वन से थ्री के बीच में हम इस तरह से लिख देंगे, वन इज लेस देन एक्स इज लेस देन थ्री, एफ डैश एक्स इसके बीच की कोई भी एक वैल्यू सोचिए वन से थ्री के बीच में, यहां पे हम सोच रहे हैं कि से एक्स इज इक्वल टू टू ले लिया हमने, एफ डैश एक्स देखो थ्री तो थ्री ही रहा, टू माइनस थ्री माइनस वन यानी कि नेगेटिव, टू माइनस वन यानी कि वन मीन्स पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव की मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव आएगा मीन्स लेस देन जीरो, दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन इंटरवल वन टू थ्री, ठीक इसी तरह से फोर एक्स इज ग्रेटर देन थ्री, थ्री से गेट इस इंटरवल के लिए एफ डैश एक्स, यहां पे आप देख सकते हो कि से एक्स इज इक्वल टू फोर, कोई भी वैल्यू ले सकते हो आप, इधर थ्री से ग्रेटर कोई भी वैल्यू ले, अब देखो थ्री तो थ्री ही रहेगा, यहां फोर माइनस थ्री वन यानी कि पॉजिटिव, फोर माइनस वन यानी कि थ्री ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव की पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आएगा ग्रेटर देन जीरो, दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल, कौन सा इंटरवल हुआ ये, थ्री टू इन्फिनिटी। तो प्यारे बच्चों इसमें तीनों तीन तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि फाइंड द इंटरवल्स इन विच एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एक तरीके से, दूसरा हो सकता है कि फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और तीसरे तरीके से हो सकता है फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो यहां पे तीनों ही तरीके से इस तरह से चलेगा ये हमारे पास। अब उसने स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए पूछा था, तो आप देख रहे कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कौन से वाले पार्ट में आया, तो इस पार्ट में हमारे पास स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आया है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो लास्ट पे लिख देंगे हम एक बार और, लास्ट में लिख देंगे कि हेंस एफ एक्स जो है हमारा एफ एक्स, या फिर सीधा क्योंकि इक्वल एफ एक्स हमने लिख दिया, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द इंटरवल, डिक्रीजिंग कौन से हुआ, वन टू थ्री, वन टू थ्री,
वन से लेके और थ्री के बीच में। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। एक बात और ध्यान रखेंगे, ये जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है ये अल्टरनेट में चलते हैं। अब फर्स्ट में अगर इंक्रीजिंग आया तो सेकंड में डिक्रीजिंग, थर्ड में, फर्स्ट में इंक्रीजिंग, सेकंड में डिक्रीजिंग, थर्ड में फिर इंक्रीजिंग। अगर फर्स्ट में डिक्रीजिंग आया होता तो उससे आगे इंक्रीजिंग आता, फिर डिक्रीजिंग आता। तो ये अल्टरनेट में चलते हैं, पहले जो आएगा उससे दूसरा आएगा, फिर जो पहले वाला है वही रिपीट हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां से वेरिफिकेशन हो गया। देखो पहले हमारे पास क्या आया था, पहले हमारे पास इंक्रीजिंग आया, फिर उसके बाद डिक्रीजिंग आया, और फिर उसके बाद इंक्रीजिंग आया। तो ये तो हमने लास्ट में आंसर लिखा है। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके फाइनल एग्जाम में आने के बेहद ज्यादा इसके चांस है। और दूसरी बात, चाहे इंक्रीजिंग आए, चाहे डिक्रीजिंग आए, चाहे दोनों आए, क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो सेम रहेगा, कोई ज्यादा इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो कंप्लीट हो जाता है। चलिए बच्चों, ठीक इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास हमसे पूछा गया है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y square is equal to x and x square is equal to y। तो यहाँ पे ये हमारे पास जो क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से एक्सरसाइज 8.2 से है, एरिया बिटवीन टू कर्व्स। तो हमारे पास टू कर्व्स गिवन है और इनके बीच में जो एरिया बाउंडेड है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। अगर इसके सॉल्यूशन की बात करें तो हमारे पास गिवन कर्व्स आर, हमारे पास टू कर्व्स हैं, एक तो है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, इसको वन मान लेते हैं, और एक है एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू वाई, इसको टू मान लेते हैं। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कर्व डिनोट क्या कर रहे हैं। तो ये दोनों ही हमारे पास पैराबोला है, तो पैराबोला के लिए ये हमारे पास वाई स्क्वायर है और यहां पॉजिटिव है, तो ये हमारे पास राइट हैंडेड पैराबोला है और इसमें एक्स स्क्वायर है और ये पॉजिटिव है, प्लस का साइन है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये अपवर्ड पैराबोला है। तो हम लिखेंगे कि इक्वेशन वन, इक्वेशन वन इज ए राइट हैंडेड पैराबोला विद वर्टेक्स एट 0, 0। ठीक इसी तरह से सिमिलरली इक्वेशन टू इज एन अपवर्ड पैराबोला विद वर्टेक्स एट 0, 0। अब हमें पैराबोला के बारे में तो पता चल गया कि दोनों जो पैराबोला है, एक तो है अपवर्ड पैराबोला और एक है राइट हैंडेड पैराबोला, तो टू पैराबोलास है। अब इनको प्लॉट करना है हमें, इनको प्लॉट करने के लिए हम कुछ पॉइंट्स लेके इनको प्लॉट कर सकते हैं। दूसरा, एरिया बाउंडेड कैलकुलेट करने के लिए हमें लिमिट चाहिए, लिमिट अभी दी नहीं हुई हमारे पास, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं, टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करने के लिए हमें इन दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करना पड़ेगा। एक तो है हमारे पास y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वन, और एक है हमारे पास x स्क्वायर इज इक्वल टू y टू। अब हम क्या लिखते हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन टू, इक्वेशन टू में देखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो y की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, इन इक्वेशन वन, इन इक्वेशन वन, ये शॉर्ट पे लिख दिया आप जैसे यहां पे लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, वाई की जगह पे एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स रेज़्ड टू पावर 4 दैट इज इक्वल टू एक्स,
एक्स रेस टू पावर फोर माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स कॉमन एक्स क्यूब माइनस वन दैट इज इक्वल टू जीरो, यहां तो एक्स इज इक्वल टू जीरो या एक्स क्यूब माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो यहां तो एक्स इज इक्वल टू जीरो ही है, तो यहां से एक्स क्यूब इज इक्वल टू वन एंड एक्स इज इक्वल टू, ये वन को क्यूब हो जाएगा तो ये एक्स इज इक्वल टू वन। अब देखिए वेन वेन एक्स इज इक्वल टू जीरो वाई इज इक्वल टू वाई एक्स के तो वाई इज इक्वल टू जीरो, वेन एक्स इज इक्वल टू वन y इज इक्वल टू वन का स्क्वायर भी वन ही हुआ। अब देखो यहां से हमारे पास पॉइंट क्या मिल गया जीरो जीरो और यहां से हमारे पास पॉइंट क्या मिल गया वन वन, सो जीरो जीरो एंड वन वन आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जीरो जीरो और वन वन इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यानी कि ये जो दो कर्व है जब इनका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो जीरो जीरो और वन वन पे ये इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को। अब देखो अगर आप इसका रफ ग्राफ भी प्लॉट करते हो, अगर आप इसका रफ ग्राफ भी प्लॉट करो तो भी आपके पास जो सिचुएशन है वो क्लियर हो जाएगी। यहां पे एक्स एक्स डैश वाई y डैश, यहां पे हमने 1, 2, 3, 4 और 5, 1, 2, 3, 4, 5, माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4, माइनस 5, माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4 और माइनस 5। आप चाहे तो इनके लिए थोड़े थोड़े पॉइंट और निकाल सकते हो, जैसे जैसे अगर हम फोर कर्व वन के लिए इस तरह से आप कोई भी दो चार पॉइंट निकाल सकते हो एक्स और वाई। देखो एक्स की वैल्यू जब जीरो है तो वाई की वैल्यू भी जीरो है, जब एक्स की वैल्यू वन है y स्क्वायर इज इक्वल टू वन, y इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, टू पॉइंट मिल गए वन वन और वन माइनस वन। अब x की वैल्यू फोर रख लो, फोर रखोगे तो y स्क्वायर फोर हो जाएगा, y प्लस माइनस टू हो जाएगा, तो ये फाइव पॉइंट होता है हमारे पास। ठीक इसी तरह से फोर कर्व टू के लिए इसी तरह से एक्स और वाई। अब देखो अगर आप एक्स की वैल्यू रखोगे तो वाई की एक वैल्यू मिलेगी, अगर वाई की रखोगे तो एक्स स्क्वायर है वो, तो ऐसे जैसे हमें यहां दो वैल्यू मिल गई है तो डबल पॉइंट मिल जाएंगे हम, तो वाई की वैल्यू रखते हैं, जब वाई जीरो है तो एक्स स्क्वायर जीरो यानी कि एक्स भी जीरो, जब वाई वन तो एक्स प्लस माइनस वन, जब वाई फोर तो एक्स प्लस माइनस टू, इस तरह से डबल डबल वैल्यू मिल जाती है। इसकी कोई खास जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी आप किसी और क्वेश्चन में भी आपके काम आ जाए, तो इस वजह से हमने इसको सोल्व कर लिया। अब आप देखिए हम इन कर्व्स को प्लॉट करें, पहले बात करते हैं कर्व वन की। कर्व वन हमारे पास राइट हैंडेड पैराबोला है, एक्स जीरो वाई जीरो, जब एक्स वन है तो वाई प्लस माइनस वन है, जब एक्स वन है तो वाई हमारे पास प्लस वन है और माइनस वन है, जब एक्स फोर है तो वाई प्लस माइनस टू है, तो जब x 4 है तो y प्लस और माइनस 2 है, तो हमें रफ ही प्लॉट कर रहे हैं तो हम इसको इस तरह से प्लॉट कर देते हैं, तो ये हमारे पास राइट हैंडेड पैराबोला हो गया। इस पे आप 1 लिख सकते हो या फिर y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स लिख सकते हो। ये किसी तरह से अब सेकंड पे आ जाओ, सेकंड के लिए हमारे पास क्या है, सेकेंड में हमारे पास एक्स जीरो वाई जीरो, एक्स जब प्लस माइनस वन है तो वाई वन है, तो वाई वन के लिए वाई वन ये रहा एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन, जब वाई फोर है तो एक्स प्लस माइनस टू है तो प्लस टू और माइनस टू, तो ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट और ये पॉइंट इनको हमें मिलाना है
तो ये हमारे पास राइट हैंडेड पैराबोला आ जाएगा। तो अब आप देखें, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, अब दोनों के जो बीच में एरिया आया वो ये है, दोनों के बीच में जो एरिया है वो ये है, ये दोनों के बीच में एरिया है। आप अगर इस एरिया को ध्यान से देखें तो इस एरिया में जो ये राइट हैंडेड, इस पूरे एरिया में जो राइट हैंडेड पैराबोला है वो ऊपर है और जो अपवर्ड पैराबोला है वो नीचे है, ये आपको ध्यान रखना है। अब प्यारे बच्चों बिल्कुल देखो एक और, बिल्कुल आपको क्योंकि रफ हमें ग्राफ प्लॉट करना है, तो आप देखें हमारे पास वर्टेक्स 0 0 पे है, तो राइट हैंडेड पैराबोला हमारा ये बनेगा और अपवर्ड पैराबोला आपका ये बनेगा, तो इन दोनों के बीच में एरिया आ गया ये। तो फिर भी देखो ये हमारे पास जो राइट हैंडेड पैराबोला है वो ऊपर है और जो डाउनवर्ड पैराबोला है वो नीचे है, तो सिचुएशन सेम ही रहनी है। अगर आप ग्राफ भी प्लॉट करोगे तो भी यही सिचुएशन रहेगी। अब देखो ये तो हमारा 0 0 है और यहाँ पे ये जो पॉइंट हो गया वो 1 1 हो जाएगा बस, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो 2 ही थे, 0 0 और 1 1, तो एक यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और एक यहाँ, यहाँ पे अपने स्केल को बड़ा कर दिया है, यहाँ पे अपने स्केल को थोड़ा सा छोटा रखा है। तो इस तरह से अगर आप ग्राफ भी प्लॉट करोगे तो ऑलमोस्ट आपका जो ग्राफ है वो ठीक ही होगा, बस आपकी कर्व की अंडरस्टैंडिंग ठीक हो। आप इसको लाइन मान के चलेंगे और इसको सर्कल मान के चलेंगे तो फिर तो गड़बड़ होगी, अदरवाइज गड़बड़ नहीं होगी किसी प्रकार की। तो अब इसको देखते हैं, अब हमें पता चल गया कि कौन सी कर्व ऊपर है और कौन सी कर्व नीचे है। तो अब हम लिख सकते हैं कि एरिया बाउंडेड, एरिया बाउंडेड दैट इज इक्वल टू शेडेड एरिया, शेडेड एरिया जो ग्रीन से शेड कर रखा है। तो ये हमारे पास क्या होगा, वाई ऑफ अपर कर्व, अपर कर्व है हमारे पास पैराबोला, राइट हैंडेड पैराबोला, और राइट हैंडेड पैराबोला का जो वाई होगा वो रूट एक्स होगा, रूट एक्स माइनस वाई ऑफ लोअर कर्व, लोअर कर्व हमारे पास ये अपवर्ड पैराबोला है, इसका वाई है हमारे पास एक्स स्क्वायर। लिमिट देखो यहां 0 0 यहां 1 1, तो 0 से 1 तक आ जाएगा, तो लिमिट होगी 0 to 1। अब इसके लिए हमें इसको सोल्व कर लें, इसको सोल्व कर देते हैं। अब देखो ये x रेस टू पावर 1/2 है, तो x रेस टू पावर 3/2 हो जाएगा, ये डिवाइड बाय 3/2 माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाय 3 ओवर द लिमिट 0 to 1। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें, x रेस टू पावर 1/2 प्लस 1 करना होता है ना, तो ये 1/2 प्लस 1 3/2, यहां पे 3/2, ये 3/2 को मैंने लिख दिया 2/3 और x रेस टू पावर 3/2 एक पावर पूरी है और एक आधी है, तो x रूट एक्स हो गई माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 ओवर द लिमिट 0 to 1। तो पहले आप एरिया बाउंडेड, यहां शॉर्ट में लिख देते हैं एरिया बाउंडेड, पहले अपर लिमिट लिख देंगे, इसमें 1 पुट करेंगे तो 2/3, ये 1 root 1 से भी 1 मिलेगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा, 1 का क्यूब भी 1 होता है, 2/3 माइनस 1/3, यहां से तो अपर लिमिट से तो ये मिला माइनस, अब लोअर लिमिट से एक्स की जगह पे 0 पुट करेंगे सारा 0 0 पुट करेंगे सारा 0, तो 0 माइनस 0, तो यहां से तो कुछ मिला नहीं। देखो 2/3 माइनस 1/3, तो एलसीएम हमारे पास 3 आ गया, 2 माइनस 1 यानी कि 1/3 एरिया है, तो स्क्वायर यूनिट्स, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां से ये जो क्वेश्चन आया है वो 8.2 एक्सरसाइज से आया है और दोनों ही उसने क्या ले लिया है, पैराबोला लिए हुए हैं, तो वो पैराबोला भी ले सकता है, वो दोनों सर्कल भी ले सकता है, वो एलिप्स और स्ट्रेट लाइन भी ले सकता है, वो सर्कल और स्ट्रेट लाइन भी ले सकता है। तो इस तरह से आपको सभी तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है सेक्शन बी का, इसमें कहा गया है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस आर इज इक्वल टू आई प्लस 2j+3k प्लस लैम्डा इंटू आई माइनस 3j+2k एंड सेकंड लाइन इज 4i+5j+6k प्लस म्यू इंटू 2i+3j+k। तो ये टू लाइंस हमारे पास गिवन है,
इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है। तो प्यारे बच्चों ये आपके एग्जाम का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये इस तरह का क्वेश्चन या तो यही या फिर इस तरह का क्वेश्चन जिसमें हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी है, ये 100% श्योर है आपके एग्जाम में आना ही आना है ऐसा क्वेश्चन। तो इसमें जितने भी टाइप का क्वेश्चन है, ये तो देखो वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, कार्टेशियन फॉर्म में भी गिवन हो सकता है, तो आप कार्टेशियन फॉर्म की वेक्टर फॉर्म की या इस टाइप के बुक में जितने भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक में, आप उनको सबको अच्छे तरीके से कर ले, ये आपके 4 मार्क्स पक्के हैं, 100% श्योर है ये आपके एग्जाम में आना। तो अब देखिए आप इसको किस तरह से करेंगे, तो ये 2 लाइंस हमारे पास गिवन है, तो इसको इनको हम जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उनके साथ कंपेयर कर लेते हैं। इसको लिखते हैं हम कंपेयरिंग विद आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, और ठीक इसी तरह से हम इसको कंपेयर कर लेते हैं कंपेयरिंग विद R इज इक्वल टू सी प्लस म्यू डी। जिस टाइप की लाइन हमें गिवन थी उसी तरह से उसी फॉर्म से हमने इसको कंपेयर कर लिया, तो यहां से हमें क्या मिल गया कंपेयर करने से, सो A इज इक्वल टू ये हमारे पास A हो जाएगा I प्लस 2J प्लस 3K। इसी तरह से B आ जाएगा हमारे पास I माइनस 3J प्लस 2K। इसी तरह से सी वेक्टर आ जाएगा हमारे पास 4i प्लस 5j प्लस 6k, एंड जो डी वेक्टर है वो आ जाएगा हमारे पास 2i प्लस 3j प्लस k। तो ये वेक्टर ए बी सी और डी हमने लिख दिए। अब हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। नाउ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन गिवन लाइंस, इसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास सी माइनस ए बी क्रॉस डी, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस डी। अब प्यारे बच्चों डॉट प्रोडक्ट तो नेगेटिव भी हो सकता है, तो आप मोड इस ऊपर वाले पार्ट के साथ लगा दें या फिर इस पूरे के साथ मोड लगा दें, पूरे के साथ हम मोड लगा लेते हैं, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो आंसर हमें पॉजिटिव लेना है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब इसमें आपको जो सबसे बड़ी बात आपको ध्यान रखनी है, ये फॉर्मूला तब है जब लाइन्स पैरेलल नहीं है, तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि लाइन पैरेलल तो नहीं है। इसके लिए आप बी और डी को चेक करेंगे, बी और डी, अब इनके कोफिशियंट डिवाइड कर लें, 1/2 इसका 1 इसका 2, यहां पे -3 और 3 2 और 1, अब ये इक्वल नहीं होने चाहिए, अगर ये इक्वल है तो इसका मतलब ये लाइंस पैरेलल है। सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि आपको ये चेक करना, मैंने तो चेक कर लिया था, लेकिन सबसे पहले आप बी और डी को चेक कर लें कि ये पैरेलल ना हो, अगर ये पैरेलल है तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। अब देखो ये हमारे पास 1/2 है, और यहां से जब इसको कैंसिल करेंगे ये तो 1/2, यहां -1 आया, ये 2/1 आया, तो ये आपस में इक्वल है ही नहीं है, तो अगर ये इक्वल हो जाते हैं तो इसका मतलब पैरेलल है, और अगर पैरेलल है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा सी माइनस ए क्रॉस बी इट्स मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा अगर लाइंस पैरेलल है, तो सबसे पहला काम हमें ये चेक करना है कि लाइंस पैरेलल तो नहीं है, तो अगर लाइन पैरेलल है तो ये फॉर्मूला होगा। ऐसा क्यों हुआ, देखो अगर लाइन पैरेलल हुई तो बी क्रॉस डी जब आप कैलकुलेट करोगे, बी क्रॉस डी जब आप कैलकुलेट करोगे तो वो 0 वेक्टर बन जाएगा, तो वहां से अंदाजा लगा लेना। मान लो अगर आप ये बात आप भूल भी जाते हो, तो आप बी क्रॉस डी जब चेक करोगे कैलकुलेट करोगे तो ये 0 आ जाएगा, तो अगर ये 0 आ जाएगा इसका मतलब लाइंस पैरेलल है,
और आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। तो प्यारे बच्चों ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है इस क्वेश्चन के लिए। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कहीं कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है आएगी हमें। स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं। सबसे पहले हम सी माइनस ए कैलकुलेट कर लेते हैं। नाउ सी माइनस ए, सी वेक्टर है हमारा ये रहा 4i प्लस 5j प्लस 6k माइनस ए, तो माइनस आई माइनस 2j और माइनस 3k, तो 4i माइनस आई 3i आ जाएगा, 5j माइनस 2j प्लस के 3j और 6k माइनस 3k तो ये भी 3k, तो ये आ गया हमारे पास c माइनस ए। अब हमें कैलकुलेट करना है b क्रॉस d, तो b क्रॉस d क्रॉस प्रोडक्ट है i j और k, b है के लिए कंपोनेंट है हमारे पास 1 माइनस 3 और 2 और d के लिए है 2 3 और 1 2 3 और 1। अब यहां से देखो i के लिए माइनस 3 और माइनस 6, माइनस j के लिए 1 माइनस 4, ये कैप जरूर लगा देना यूनिट वेक्टर के लिए, प्लस k, k के लिए 3 और ये माइनस 1 प्लस हो जाएगा 3 प्लस 6, तो ये हमारे पास आ जाएगा, तो यहीं पे लिख देते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस के 9i माइनस 9i माइनस 3j और ये प्लस हो जाएगा प्लस के 3j प्लस के 3j और प्लस के 9k, तो ये हमारे पास b क्रॉस d आ गया। अब b क्रॉस d आ गया तो इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए हम, तो यहीं पे इसका मैग्नीट्यूड कर देते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ b क्रॉस d, मैग्नीट्यूड ऑफ b क्रॉस d दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 9 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, यहां पे ये 81 प्लस 9 प्लस 81 और इसका स्क्वायर रूट 80 और 80 160 और 10 170, तो ये हो जाएगा हमारे पास 171, 171 हमारे पास आ गया। अगर आप इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप इनको प्लस कर लें, 1 आ जाएगा 16 और 170। अब यहां से ये हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गया। अब आप देखें हमें c माइनस ए और b क्रॉस d का मैग्नीट्यूड भी निकालना था, c माइनस ए और b क्रॉस d का डॉट प्रोडक्ट भी निकालना है हमें। c माइनस ए यह हमारे पास 3i प्लस 3j प्लस 3k डॉट माइनस 9i प्लस 3j प्लस 9k, यहां से 3 मिलेगा और ये माइनस के 9 प्लस, यहां से 3 और यहां से भी 3 प्लस, यहां से 3 और यहां से 9, 3 माइनस 9 3 और 3 और 3 और 9, तो यहां से हमारे पास आ गया माइनस के 27 प्लस के 9 और प्लस के 27, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारे पास आ गया 9, तो सारी वैल्यूज आ गई हमारे पास 9। इसको 9 शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन गिवन लाइन्स दैट इज इक्वल टू सी माइनस ए और बी क्रॉस डी, इनका डॉट प्रोडक्ट आया 9 डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस डी 171। अब यहां से इसका मोड, ये तो पहले ही पॉजिटिव था, तो यहां पे 9 डिवाइड बाय रूट 171। अब देखो आप ये यहां पे आंसर लिख सकते हो, आप यूनिट्स लिख के इसका आंसर लिख सकते हो, और आप अगर रैशनलाइज करना चाहो तो रैशनलाइज कर सकते हो, यहां पे आ गया 9
रूट 171 और डिवाइड बाय रूट 171 की रूट 171 के साथ करेंगे तो 171 हो जाएगा। अब ये 9 में कैंसिल हो जाएगा, 9 1 9 9 1 9 और 8 और ये 81 से 9, तो यहां पे आ गया हमारे पास ये रूट 171 डिवाइड बाय 19। तो ये हमारे पास इसका यूनिट्स लिख देंगे साथ में, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसके आंसर कई तरीके से हो सकते हैं। अब देखो यहां से भी इसमें भी आप थोड़ा सा वेरिएशन ला सकते हैं, तो आप इसको जो ये रूट 171 है इसको आप 9 × 19 भी लिख सकते हैं। आप इसको 9 × क्योंकि जब हमने 9 पे कैंसिल किया तो 19 आ गया, डिवाइड बाय 19 है ये हमारे पास, यहां पे हमारे पास 19 है, इससे हमारे पास 3 मिला, ये रूट 19 है और डिवाइड बाय 19 यूनिट्स। तो एक आंसर इसका ये भी हो सकता है। और यहां से अगर हम निकालें तो देखो ये 9 डिवाइड बाय इसकी बात कर रहा हूं, इसको आप 9 × 19 लिखें, 9 और ये 3 √19, इसके साथ इसको कैंसिल करेंगे, 3 को कैंसिल करेंगे तो 3 / √19 यूनिट्स। तो इसका एक आंसर ये भी हो सकता है। तो आपको इस तरह से ध्यान रखना है, आंसर्स में कंफ्यूज नहीं होना है। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। प्यारे बच्चों देखते हैं सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 10। वंस अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 100% श्योर ये जो क्वेश्चन है ये भी आपके एग्जाम में 100% एज इट इज या फिर इसके जैसा बेस थ्योरम पे कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए जरूर आएगा। तो देखते हैं इसको। इसमें कहा गया है ए फैक्ट्री हैज 2 मशीन्स ए एंड बी, ए प्रोड्यूसेस 60% एंड बी 40% ऑफ द टोटल आउटपुट। उसके बाद 2% ऑफ द मशीन ए एंड 1% ऑफ द मशीन बी आर डिफेक्टिव, 2% मशीन ए की और 1% मशीन बी की डिफेक्टिव है। इफ वन आइटम इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द आउटपुट एंड इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, जो कि कैसी मिली डिफेक्टिव, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वॉज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए। अगर वो कहता कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द आइटम इज डिफेक्टिव, फिर तो ये क्वेश्चन होता लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का। अब ये कह रहा है कि फाउंड डिफेक्टिव, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वॉज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए, कि ये मशीन ए की है डिफेक्टिव आइटम। तो इसका मतलब ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। अब देखो पहले बच्चों इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब जिस चीज की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है, जिस चीज के बारे में बात हो रही है, डिफेक्टिव आइटम के बारे में बात हो रही है, तो उसको ए मानेंगे, और जिसमें से निकाल रहे हैं उसको E1, E2, E3 मानेंगे। तो मशीन कितनी है 2, तो E1 और E2 ले लेंगे उसको। लेट E1 बी द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग एन आइटम फ्रॉम मशीन ए एंड E2 बी द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग एन आइटम फ्रॉम मशीन बी। एंड ए बी द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग डिफेक्टिव, क्या चीज है, टोटल आउटपुट 1%, सेलेक्टिंग डिफेक्टिव आइटम
इफेक्टिव आइटम। यहाँ पे आमतौर पे क्या कहते हैं, बोल्ट वगैरह या कुछ भी आइटम का नाम नहीं देते हैं, यहाँ पे सीधा ही आइटम ही बोला गया है। तो इवन हमने इवेंट मान लिया कि जो आइटम चूज किया वो मशीन ए से है, ई टू हमने मान लिया कि बी से है, और ए मान लिया कि वो डिफेक्टिव आइटम है। अब आपको इनकी प्रॉपर्टीज निकालनी है। यहां पे दिस इंप्लाइज पी इवन, इवन है मशीन ए से जो वो आइटम प्रोड्यूस है वो मशीन ए की है, तो ए कितने परसेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, 60%, तो ये हो गया 60/100। तो आप इसको कैंसिल कर ले, 10 ही कैंसिल कर लेगा क्योंकि आपको फिर एलसीएम में दिक्कत नहीं आएगी। आगे पीई टू ये हमारे पास 40% है, तो 40/100 यानी कि 4/10। अब पी ए बाय इवन कंडीशनल प्रॉपर्टी, डिफेक्टिव आइटम तो है लेकिन कब, जब जो आइटम है वो किस में से लेनी है, मशीन ए के आइटम में से लेनी है। तो मशीन ए ए ने जितने प्रोड्यूस किए हैं उसके कितने परसेंट डिफेक्टिव है, उसके 2% डिफेक्टिव है, तो ये हमारे पास कितना है, 2/100। अब देखो यहां पे और इसी तरह से पी ए बाय ई टू मशीन बी से डिफेक्टिव, ये कितना है हमारे पास, 1/100 1%। नाउ बाय बेस थ्योरम, बाय बेस थ्योरम, या तो आप यहां पर रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी लिखे या फिर जिसके बारे में मशीन ए से पूछा गया है, तो मशीन ए के लिए हमारे पास बनेगा पी इवन बाय ए। फॉर्मूला है हमारे पास, यहां नीचे से स्टार्ट करेंगे आप फॉर्मूला लिखना तो इजी रहेगा, पी इवन पी ए बाय इवन प्लस पी ई टू और पी ए बाय ई टू। अब देखो मशीन ए से है तो मशीन ए वाला पार्ट ऊपर लिख दो, पी ई वन पी ए बाय ई वन, तो ये आपने ऊपर लिख दिया बस। अभी वैल्यूज रखनी है, पी ई वन है हमारे पास 6/10, ए बाय ई वन ये हमारे पास 2/100, ये हो गया 6/10 और 2/100 प्लस ये हमारे पास 4/10 और 1/100, ये 4/10 और ये 1/100। अब आप देखेंगे इसको लिख देंगे, ये हमारे पास कितना हो गया, ये हो गया 12/1000। कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि इसका एक बेनिफिट हमें नीचे मिलेगा, 12/1000 प्लस 4/1000, यहां से 12/1000 इसका एलसीएम 1000 आ गया, तो ये 12+4 यानी कि 12/1000 और ये 16/1000, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 12/16 4 पे कैंसिल करेंगे 3 और ये 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3/4, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। सेक्शन बी में हमारे पास 4 ही क्वेश्चन थे, तो ये हमारा 4th क्वेश्चन था। सेक्शन बी में जो क्वेश्चन नंबर 9 है और जो क्वेश्चन नंबर 10 है, ये तो हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे दोनों। अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 और 8 की बात करें तो 7 भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, 8th में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं 8th के लिए, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, वहां पर के तौर पे नहीं कहा जा सकता, लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 और 10 तो ऐसे हैं, ये तो श्योर है दोनों आने ही आने हैं 100%। क्वेश्चन नंबर 7 भी मतलब बहुत ज्यादा चांसेस है इसके आने के, जो क्वेश्चन नंबर 8 है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से, इसकी आप थोड़ी सी ज्यादा तैयारी करें कि इसमें वैरायटी बहुत ज्यादा है क्वेश्चन में। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास सेक्शन बी।